बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज की रेसिपी है दही बड़ों की मज़ेदार सी चाट, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त बनती है और बहुत ही जल्दी बन जाती है। इस तरह से पैकेट में मिल जाती है फ्रेश पकौड़ी, और आप इसे दही बड़ों में, चना चाट में आप इसे आराम से यूज़ कर सकते हैं। उसको इस्तेमाल करना भी बहुत आसान है। इस तरह की पैकिंग में ये आ जाती है और दिखने में ये इस तरह से होती है। ये देखें, इस तरह से ये होती है दिखने में। बनाने का तरीका बताऊंगी तो उसका ये है कि मैंने एक बाउल में अपने हिसाब से मैंने फ्रेश पकौड़ी डाल दी थी, जितनी भी चाहिए। और अब इसमें डाल देंगे बहुत गर्म पानी, हॉट वाटर जिसे कहते हैं, वो डालना है आपने। और इसे डालने के बाद चम्मच से एक मरतबा आप इसे फैला लीजिएगा, चम्मच से एक दफ़ा इसे फैला लीजिए और इसे कवर कर दे तकरीबन 2 घंटे के लिए। 2 घंटे बाद आप इसका पानी निकाल दीजिएगा। ये देखिए, इसका पानी मैंने 2 घंटे बाद निकाल लिया था। और अब आप इसे किसी भी रेसिपी में यूज़ कर सकते हैं, चना चाट में, दही बड़ों में, और ये बहुत जल्दी बन जाती है। 1/2 किलो सफ़ेद चने बॉयल कर लिए हैं मैंने नमक डालकर, और ये है फ्रेश पकौड़ी। इसकी रेसिपी मैं आपको बता चुकी हूँ। 2 बड़े आलू उबले हुए बारीक कटे हुए, 2 बड़े प्याज स्लाइस में कटे हुए, 1 बड़ा टमाटर बारीक कटा हुआ, इमली की चटनी, खट्टी मीठी गुड़ वाली जो मैंने आपको सिखाई है, दही बड़ों का मसाला भी आपको सिखा चुकी हूँ, चाट मसाला, दही चाहिए होगी, और ये है माश की दाल के दही बड़े, ये भी आपको सिखा चुकी हूँ। अब चाट बनाने इस तरह है कि सबसे पहले आप एक प्लेट का हिसाब मैं आपको बता देती हूँ कि आपको प्लेट पर किस तरह से इसे बनाना है। तो मेरी जितनी प्लेट है उस हिसाब से मैंने चने डाल लिए हैं, और सबसे पहले लेयर चनों की लगाएंगे। इसके बाद इस पर डाल देंगे उबले हुए क्यूब में कटे हुए आलू। आपको जितनी जो चीज़ पसंद है आप उतनी ही इसमें ऐड कीजिएगा। और अब इस पर डाल देंगे फ्रेश पकौड़ी, जो मैं आपको बता चुकी हूँ कि इसे किस तरह बनाना है, ये डाल दी हैं, और ये भी अपनी पसंद के हिसाब से आप डाल सकते हैं। फिर इस पर डाल देंगे दही 2 चम्मच भरकर। दही को खूब अच्छी तरह से फेंट कर मैंने पहले रख लिया था, थोड़ा सा दूध डालने के बाद ताकि थोड़ा पतला हो जाए। अब इसमें डाल देंगे बारीक कटे हुए टमाटर थोड़े से, और साथ इसमें ऐड कर देंगे स्लाइस में कटे हुए बारीक प्याज। अब इसमें डाल देंगे माश की दाल के मज़ेदार से दही बड़े। मैं आपको बेसन के दही बड़ों की रेसिपी बता चुकी हूँ, आप वो भी बना सकते हैं, उसका लिंक मैं लास्ट में दे दूँगी। और साथ थोड़ी दही डाल दी है, और अब डाल देंगे मज़ेदार गुड़ और इमली की मज़ेदार सी चटनी। इसकी रेसिपी मैं आपको बता चुकी हूँ, ये डाल देंगे। साथ डाल देंगे चाट मसाला और दही बड़ों का स्पेशल मसाला, इसकी रेसिपी मैं आपको बता चुकी हूँ। मसाले आप अपने टेस्ट के मुताबिक डालिएगा, जितना आप पसंद करते हैं उतना डालिएगा। लीजिए, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार सी दही बड़ों की चाट बिल्कुल रेडी है। और अफ्तार में आप इसे बनाएं तो आपकी फैमिली बहुत खुश होगी। रेसिपी अच्छी लगे तो उसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।